हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। एक एपी दिया हुआ है और वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस एपी का कौन सा टर्म 81 होगा। एपी है 5, 9, 13, 17... ठीक है, और इस एपी में आगे जाके कहीं ना कहीं 81 आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 81। ठीक है, तो अभी इस एपी के अंदर कहीं 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं, अगर निकल के आ गया कि 81 का अगर n का वैल्यू अगर निकल जाएगा, इसका मतलब 81 इस सीरीज का पार्ट होगा और उसका पोजिशन निकल जाएगा। और अगर इस सीरीज का पार्ट ही नहीं होगा 81, तो n का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो हमें 81 का पोजीशन पता लगाना है, तो हम 81 को आखिरी टर्म एज्यूम कर लेते हैं और इसका पोजीशन पता लगाते हैं। तो टी एन के प्लेस पे हम लिख देंगे 81 को। जिस भी टर्म का पोजीशन पता लगाना रहता है, ठीक है, उसको हम लोग टी एन के प्लेस पे रख देते हैं। ए हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे आ गया 5 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का इस एपी में, 4 का दिख रहा है, 9 माइनस 5 4, तो कॉमन डिफरेंस के प्लेस पे हम डी के प्लेस पे लिख देंगे 4। तो ये हो गया 81 इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4। 81 इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 प्लस 4n, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 80 इक्वल टू 4n। तो n इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो n इक्वल टू 20। यानी जो 20th टर्म होगा इस सीरीज का, 20th टर्म पे जाके आ रहा होगा 81। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा था विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, तो लास्ट में हम लिख देंगे 20th टर्म ऑफ दिस एपी इज 81। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।